पुलिस थाना डेरा बाबा नानक इलाके च अज उस वेले सनसनी फैल गई जब एक नहर के कंडे एक बोरी च गली सड़ी लाश मिलन का मामला सामने आया है। उत्थे ही लाश की पहचान पिंड समराय की रहन वाली 80 साल बजुर्ग महेंद्र कौर की है। उत्थे शक्की हालात च पिंड मल्लेवाल की नहर चो मिली बजुर्ग महिला की लाश की सूचना मिलन से इलाके के लोग अते पुलिस मौके पर पहुंचे। बजुर्ग औरत की पहचान हाथ च पाए कड़े तो हुई। उत्थे ही मृतक के बेटे बलविंदर सिंह ने दसिया कि उक्त बजुर्ग औरत मोहिंदर कौर उसकी माता है अते पिछले दो दिनों तो लापता सी अते उन्हां वालों पुलिस नूं सूचना भी दित्ती गई सी, लेकिन पुलिस की ढिली कार्रवाई के चलते माता का कोई पता नहीं चल रहा सी। अते मृतक के बेटे ने शक जाहिर किया कि माता ने सोने के गहने पाए सन अते उसकी माता का कतल लुट की नीयत नाल किया गया। उधर पुलिस थाना डेरा बाबा नानक के इंचार्ज अवतार सिंह ने दसिया कि उन्हां दी पुलिस पार्टी वालों लाश नूं कब्जे च लैके केस दर्ज कर दिता गया है अते अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है अते जल्द ही दोषियों नूं काबू किया जाएगा। गुरदासपुर तो रोहित गुप्ता की रिपोर्ट, लाइव भारत। 28 तारीख नूं इतना लापता हुई सी ते अज 30 तारीख नूं सवेरे लगभग 8 बजे सरपंच का फोन आया सी कि तुहाडी जिहड़ी माता आ उह नहर दे पुल ते उन्हां दी जिहड़ी लाश पई आ ते सानूं पता लगन ते सानूं फिर मैं अपने सारे परिवारक मैंबर नाल लैके उत्थों भजन की कीती आ के अपने माता नूं वेख्या। उन्हां दी डेड बॉडी इन्ने हालात मारे नाल साड़िया गया सी कि वेख्या भी नहीं सी जा रहा और इत्थों तक कि कुत्तियां ने भी उहदा मांस खाधा होया सी। लगभग उन्हां दी छाती अते इक बांह तोड़ के लागे रखी सी। उस बांह दे विच साडी माता दा जिहड़ा कड़ा पछाण वास्ते काफ़ी सी ते इह जिहड़ी प्रशासन की इन्नी लापरवाही है क्योंकि 28 तारीख नूं मैं माता साडी 2 बजे लगभग हुंदी आ लापता ते शामां नूं 7 बजे मैं इन्हां नूं रिपोर्ट भी लिखाती आ। अज तीजे दिन इन्हें प्रशासन ने कोई एक्टिव नहीं होए कोई कार्रवाई नहीं की। अगर जे कि भजना पूरी करते दौड़ भज करते तो साढ़े जी माता से मरनों बच सकती और मेन कारण यह है कि माता के हाथों में मुंदरिया से मुंदरियां भी काफ़ी भारिया हैं क्योंकि उन्होंने पोतरियों कुड़मा ने पाइया से। दूसरा उन्होंने कन्ना के वालियों भी भारिया से लगभग 2 तोले जोड़ा सोना से और उन्होंने जेब में कुछ नकदी भी है लगभग 18 या 2 हज़ार रुपया होगा। और मेरी बेनती है कि जिहड़ा हादसा होया है प्रशासन की गलती ना होया। प्रशासन तो अं मंग करते हैं कि ये नशा पत्ता वाले ने यह काम किया है क्योंकि होर साढ़े पिंड बहुत ज़्यादा आपस में साढ़े जेडे हर एक पिंड घर के मिलाप आ बोलचाल आते पिंड के जोड़े बच्चे ने ज नौजवान मुंडे ने उन्हों का नाम मैं थाने पहला भी दिता सी। ये कार्रवाई उन्होंने किया कि रात ने उन्होंने अग लाती है और वो जी पहचान भी मिटाने की कोशिश की। सर असि ना घरों काम तो आए हैं काम तो आते पे सारा सूबा ही लागे तो इतने कुत्ते बड़े आले दुआले घूमते पे ही तो सर कुत्ते वेखते बोरी के लाश पई किसी ने साड़ी पई ही वेखद सारे सर सरपंच का नंबर ही असं उन्होंने फोन किया है कि उन्होंने जो माता साढ़े पिंड की गुम हुई कल परसों की तो वेख आ वेख सकते हैं। ये माता अमिंदर कौर के गुमसदगी की ये वारसा ने इतलाह दी सी जिस संबंध चौकी इंचार्ज वालों जी रिपट जी दर्ज कराई गई उस दिन तो ही यदि भाल की जा रही ये वालों और पुलिस वालों यदि भाल की जा रही। अज जी सुबह यदि करीब 7-8 बजे ना फोन पर पता लगा भी ये जी लाश जी नहर के सूए में पई आ जिस मौके पर साढ़े सीनियर अफसर असी पहुँचे हाँ फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के जो मुलाजम साढ़े आए ने टीम आई आ डॉग स्क्वाड भी मंगाया तो डूंगाई ना जी यदि जी आ तफ्तीश कर रहे हैं। तो उन्होंने बयान के उ मदई जरा अपनी सरबजीत कौर आ मृतक जी अमिंदर कौर आ नौ जी बयान से जरा मुकदमा जरा दर्ज किया जा रहा है। मेडिकॉम आयुर्वेदिक सेंटर यहाँ पर आपको मिलेगा हर मुश्किल का हल जैसे कि मर्दाना कमजोरी औरतों और पुरुषों के गुप्त रोग बे औलाद फालतू चर्बी बड़ा हुआ पेट घटाएं बवासीर आपको मिलेगी हर प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ। मेडिकॉम आयुर्वेदिक सेंटर दीप कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट दुआबा शोरूम कोट रोड अमृतसर रोजाना मिल 6 बजे तक।